इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल की मॉर्चरी में महीनों से स्ट्रेचर पर रखा एक शव अंतिम संस्कार के इंतजार में कंकाल बन गया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल में प्रशासन में हड़कंप मचा और तत्काल बॉडी को वहां से हटवा दिया गया। बताया जा रहा है कि बदबू फैलने के बाद भी किसी ने इसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। वही प्रशासन ने अपनी सफाई में कैजुअल्टी इंचार्ज को नोटिस देने की बात कही है। इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी MY अस्पताल अपनी लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। मॉर्चरी में कंकाल का रूप ले चुकी यह बॉडी 15 से 20 दिन पुरानी बताई जा रही है। ये शव किसका है और कब यहाँ लाया गया था, इसके बारे में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और यह गलती किसकी है, ऐसे कई सवाल अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।